सम्मानित साथियों को मेरा नमस्कार। एमके एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। साथियों, जैसे कि हम जानते हैं कि पीबी के नियंत्रक एसके भदौरिया जी का कोरोना काल में निधन हो गया था एवं पीबी का नियंत्रक पद खाली था। उसी के संदर्भ में पीबी द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया है। आइए इस विज्ञापन का हम अध्ययन करते हैं। कार्यालय आयुक्त तकनीकी शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश, चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल। प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञापन। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल में नियंत्रक के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवार से दिनांक 11/10/2021 सायं 5 बजे तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर समक्ष अधिकारी से अग्रेषण उपरांत निर्धारित तिथि एवं समय तक आयुक्त तकनीकी शिक्षा संचालनालय चतुर्थ तल सतपुड़ा भवन भोपाल में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। विवरण निम्न अनुसार है। पद का नाम है नियंत्रक, रिक्त पद है 1। प्रतिनियुक्ति हेतु वर्तमान वेतनमान, छठवां वेतनमान 37,400 से 67,000 प्लस 10,000 AGP अथवा सातवां वेतनमान 144,200 से 218,200 अकादमिक स्तर 14। इसके लिए अर्हताएँ एवं अनुभव इंजीनियरिंग महाविद्यालय के प्राध्यापक या इसके समकक्ष स्तर के अन्य विभाग के अधिकारियों के स्थानांतरण से जिन्हें परीक्षा कार्य का पर्याप्त अनुभव हो। आगे दिया है साथियों नोट, उपरोक्त पद की पूर्ति प्रतिनियुक्ति से की जाएगी। दूसरे नंबर पे दिया है प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में समक्ष अधिकारी के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक समस्त प्रमाण पत्रों सहित आयुक्त तकनीकी शिक्षा संचालनालय चतुर्थ तल सतपुड़ा भवन भोपाल को प्रस्तुत करेंगे। बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र के आवेदन मान नहीं किए जाएंगे। यदि नियंत्रक पद के लिए निर्धारित वर्तमान वेतनमान से अधिक वेतनमान वाले व्यक्ति आवेदन करते हैं तो प्रतिनियुक्ति उपरांत वह किसी उच्च पद हेतु दावा नहीं कर सकेंगे। चौथे नंबर में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन करते समय सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के परिपत्र दिनांक 19/2/2008 एवं तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग मंत्रालय भोपाल के पृष्ठ क्रमांक दिनांक 14/14/14 में दिए गए निर्देशों का अवलोकन कर पात्रता सुनिश्चित कर लेवें। आवेदन पत्र डाक अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। लिफाफे पर आवेदित पद का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करें। समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। सातवें नंबर में आवेदन के साथ संबंध में आयुक्त तकनीकी शिक्षा संचालनालय का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य आवश्यक जानकारी सर्कुलर तकनीकी शिक्षा संचालनालय की वेबसाइट www.mptech.org पर उपलब्ध है। साथियों, इसका यहाँ पे आवेदन पत्र संलग्न है, आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भोपाल नियंत्रक के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन देख सकते हैं साथियों। वर्तमान में धारिता पद का पद नाम एवं विभाग, वर्तमान में कार्यरत संस्था का नाम, वर्तमान वेतनमान जिस पर कार्यरत, छठवां एवं सातवां लघु, जन्मतिथि, सेवा में प्रथम नियुक्ति की तिथि, स्थायी पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, शैक्षणिक योग्यता। साथियों, इस आवेदन को हमें पूरा फिलअप करना है। अगर आपके पास पर्याप्त योग्यताएँ हैं तो
परीक्षा कार्य का अनुभव। इस प्रकार आप इस आवेदन पत्र को देख सकते हैं साथियों। तो ये थी एक महत्वपूर्ण जानकारी साथियों। धन्यवाद।